वर्साय की संधि में ही जर्मनी की प्रतिक्रियावादी शक्तियों के उदय और विकास के बीज छिपे हुए थे। हालांकि यूरोप में पहले से ही पराजित पक्षों के साथ कठोर व्यवहार करने की परंपरा थी और स्वयं जर्मनी ने 1871 के प्रशा फ्रांस युद्ध में विजय के बाद फ्रांस पर कठोर संधि लाद दी थी, जिसकी चर्चा हमने अपनी इस सीरीज के इटली के एकीकरण वाले भाग में की थी। विश्व इतिहास पर चल रही ध्येयआईएएस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। दरअसल जर्मनी के एकीकरण ने जर्मनी में जो राष्ट्रवाद के बीज बोए थे, उन्हें कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में हार व वर्साय की संधि के कारण बड़ा झटका लगा था। जर्मनी के लोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए फौजी जनरलों, साम्यवादियों और यहूदियों को दोषी ठहराते थे। वर्साय की संधि पर जर्मनी की नई सरकार ने अनिच्छापूर्वक हस्ताक्षर किए थे और इसी कारण जर्मन प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त थे। जर्मनी में जो ये नई सरकार बनी थी, उसे सोशल डेमोक्रेट और कैथोलिकों के द्वारा मिलकर बनाया गया था, जिसे वाइमर गणतंत्र कहा जाता था। वाइमर गणतंत्र ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, नागरिकों के अधिकारों व आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने वाली संवैधानिक शासन प्रणाली को अपनाया था। इस आनुपातिक प्रणाली ने छोटे छोटे दलों के लिए जोड़ तोड़ व गठबंधन की राजनीति का मार्ग खोल दिया, जिसकी वजह से कई बार वाइमर गणराज्य को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। 1926 में वाइमर गणराज्य के नेताओं ने मित्र देशों के साथ लोकार्नो की संधि कर ली और जर्मनी की पश्चिमी सीमा को स्वीकार कर लिया तथा राइनलैंड को स्थायी रूप से असैन्य भी करने पर सहमत हो गए। कुल मिलाकर वाइमर गणराज्य अब एक शांति की राह पर चल पड़ा था और अब वह जर्मनी की आर्थिक व राजनीतिक विकास करने में जुटा हुआ था। धीरे धीरे वाइमर गणराज्य ने मुद्रा स्फीति पर भी काबू पा लिया और अपने प्रयासों के जरिए लोकार्नो की संधि के तहत जर्मनी को राष्ट्र संघ की परिषद का स्थायी सदस्य भी बना ले गया, जिससे उसकी अंतरराष्ट्रीय हैसियत में कुछ इजाफा हुआ। किंतु इसी बीच जर्मनी में हिटलर का उदय हो चुका था, हालांकि अभी उसका राजनीतिक महत्व ज्यादा नहीं था। दरअसल हिटलर का जन्म 1889 में एक सामान्य ऑस्ट्रियाई परिवार में हुआ था। 1912 में वह जर्मनी आया और प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की सेना में एक सैनिक के रूप में अत्यंत बहादुरी से लड़ा, जिसके लिए उसे सर्वोच्च सैनिक सम्मान से भी नवाजा गया। वर्साय की संधि ने उसमें भी एक देशभक्त जर्मन की तरह क्रोध व प्रतिशोध की भावना जगा दी थी और इसी कारण वह राजनीति में उतरा और 1920 में उसने राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का गठन किया, जिसे आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। नाजी पार्टी ने जर्मनी में एक उग्र सुधारवादी, अति राष्ट्रवादी या यूं कहें कि अंध राष्ट्रवादी कार्यक्रम को तेजी से फैलाया। नाजी पार्टी धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी और वह उद्योगपतियों, जमींदारों को अपना समर्थक बना रही थी। नाजी पार्टी ने अपने सदस्यों को अर्धसैनिक रेजिमेंटों के रूप में संगठित किया। उन्हें स्टॉर्म अबताइलुंग यानी ऐसे कहा जाता था। 1923 में जब फ्रांस ने जर्मनी की रूर घाटी पर कब्जा किया, तो वाइमर गणतंत्र ने उसका जोर शोर से विरोध नहीं किया था और इसी कारण हिटलर और नाजी पार्टी ने वाइमर गणतंत्र का विरोध किया था, जिसके कारण हिटलर का जनसमर्थन बढ़ गया था। 1929 की आर्थिक मंदी ने जर्मनी के प्रगति पथ पर विराम लगा दिया था। इससे वाइमर गणतंत्र की जड़ों को हिला दिया, उसकी लोकप्रियता घटा दी और हिटलर के लिए इतना मौका पर्याप्त था।
1930 में वाइमर सरकार भंग हो गई और चुनावों में नाजी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु इतनी सीटें नाजी पार्टी के लिए पर्याप्त नहीं थीं। 1932 में दोबारा से चुनाव हुए और हिटलर की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 1933 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। सत्ता में आते ही हिटलर ने अपने सर्वाधिकार वाली सोच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और जर्मनी में उसने तेजी से परिवर्तन किए। उसने कानून बनाने वाली शक्ति भी कार्यपालिका यानी खुद के हाथों में ले ली। धीरे धीरे उसने अपने सभी विरोधियों को खत्म कर दिया, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। उसने आर्य और गैर आर्य सिद्धांतों को तेजी से फैलाया और नस्ल के आधार पर गैर आर्य अधिकारियों को सत्ता से बाहर कर दिया। 1935 में हिटलर ने एक कानून बनाकर यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया और भयानक रूप से उनका दमन करना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर ने स्वयं को जर्मनी का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और शासन का सर्वेसर्वा बन गया और यहीं से हिटलर जर्मनी का सर्वोच्च तानाशाह बन गया। उसने जर्मनी के लोगों को उनका खोया हुआ आत्मसम्मान व खोई हुई जमीन दोनों वापस दिलाने का वायदा किया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने तेजी से सैन्यकरण किया और स्वयं उस सेना का सर्वोच्च कमांडर बन बैठा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब यह सब हो रहा था तो मित्र राष्ट्रों ने इसका विरोध नहीं किया, जिससे हिटलर के हौसले बढ़ते गए। इसके बाद हिटलर ने राइनलैंड पर हमला कर दिया और राइनलैंड पर कब्जा भी कर लिया। इसके बावजूद भी फ्रांस ने उस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। हिटलर जर्मनी की दुरावस्था के पीछे यहूदियों को जिम्मेदार मानता था। वो कहता था कि यहूदी जाति समाज पर एक कलंक की तरह है, जिन्होंने जर्मनी को अंदर से खोखला कर दिया है, और यही वह कारण था कि वह यहूदियों से घृणा करता था। ऐसा अनुमान है कि उसने कई सारे गैस चैंबर्स बनवाए थे, जिसमें उसने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये तो थी हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के उदय की बात। अब इससे आगे यूरोप की राजनीति में क्या हुआ तथा कैसे हिटलर की महत्वाकांक्षाओं ने द्वितीय विश्वयुद्ध का रूप ले लिया, ये हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे।